हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रियांस न्यूज़। बस यही रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने टीम में शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि ये देख रहे हैं, कृषि धारा का साइट ओपन है, तो सबसे पहले इस पर क्लिक करके हम लोग लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद चलिए मैं देख लेता हूँ, जो मेरी आईडी है, मेरी आईडी पे लॉगिन करता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए मेरी आईडी है, मेरे पासवर्ड डाली हुई है, मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का ऑप्शन आता है जो बहुत ही समझ में नहीं आता है लोगों को, तो इसके लिए क्या करना है, आपको कट पे क्लिक करना है। जैसे ही कट पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपकी जो पूरी डिटेल है वो आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें हम बताएंगे आपको कि प्रोफाइल कैसे अपडेट करते हैं और किसी को पिन कैसे भेजते हैं। तो ये दोनों चीज़ को पहले देख लेंगे। सबसे पहले ये इस पर क्लिक करने के बाद हमको प्रोफाइल अपडेट करना है, तो प्रोफाइल मैनेजमेंट पे जाएंगे। यहाँ से आप प्रोफाइल देख सकते हैं और अपना इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर सकते हैं, साथ ही पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। तो हम पहले व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद फिर इस तरह का ऑप्शन आता है, तो इस पर कट करेंगे, वो लाल वाला जो ऑप्शन है। उसके बाद चलेंगे नीचे, नीचे ही जैसे कि मेरा फिलअप किया हुआ है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आपका एडिट का ऑप्शन आता है, तो ऐसे करके आप ये सारे डिटेल को आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि पहला बार आप अपना बैंक अकाउंट जरूर बढ़िया से भर लेंगे, क्योंकि ये एडिट आपसे नहीं होगा, ये कंपनी की तरफ से ही एडिट होती है। तो इस तरह से ये सारा डिटेल फिलअप करने के बाद जैसे आप अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपका मैसेज आएगा, चलो अपडेट हो गया। फिर इस तरह का ऑप्शन आएगा, फिर इसको कट कर देना। देखो प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली। उसके बाद अब चलो क्लिक करते हैं, आपको हम बताते थे कि पिन कैसे भेजते हैं, तो यहाँ से पिन मंगा भी सकते हैं। ये पिन ई पिन ऑप्शन में ई पिन से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कंपनी को, बैंक में पैसा डिपॉजिट करके। देखिए क्या हो ना, आपने कब जमा किया, कैश पेटीएम कैसे किए, वो सारा डालने के बाद अमाउंट डाले, नेफ्ट किए तो ट्रांजेक्शन नंबर, बैंक नेम, ये सारा चीज़ डालने के बाद आपको क्या होता है, रजिस्ट्रेशन या रीपर्चेज पैकेज। उसके बाद अमाउंट डालने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है पैकेज का, सेलेक्ट करने के बाद नंबर ऑफ ई पिन कितना हुआ, उसके बाद एड रिकॉर्ड पे करके आप ये स्क्रीनशॉट कंपनी को व्हाट्सअप करेंगे जो आपने जमा किया है, उसके बाद आपको पिन आ जाएगी। ठीक है, चलो दूसरा चीज़ ऑप्शन बताते हैं कि ई पिन रिक्वेस्ट लिस्ट। आप देख सकते हो जितना आपका ई पिन रिक्वेस्ट आपने मारे होंगे, मेरा कोई नहीं है, मैंने मारा नहीं। उसके बाद ई पिन लिस्ट, आपके पास कितने ई पिन हैं आप वो देख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आप ये देख सकते हो कि आपके पिन बचे कितने हैं। ठीक है, तो ये आप यूज़ कर लेंगे। और उसके बाद आपने ई पिन ट्रांसफ़र करना है, तो मैं चलो आपको ई पिन एक ट्रांसफ़र करके ही बता देता हूँ। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर हम होल्ड करेंगे, होल्ड करने के बाद जिसको हमको ई पिन भेजना है उसका हम यहाँ पर ई पिन लिखेंगे कि हमको किसको भेजना है, उसका ई पिन नंबर लिखेंगे। कि जैसे मान लेते हो, सपोज़ करो कि हमको चार ई पिन भेजना है, तो हम चार ई पिन लिखेंगे। यहाँ पर किसको भेजना है, तो हमको सपोज़ करो इस आईडी को भेजना है। अब ये वेरीफाई करना है कि ये आईडी कौन है, तो इस पर क्लिक करके हम वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन है सुशील कुमार, बात सही है, सुशील जी को हमको भेजना है। तो चार पिन का ऑप्शन ले लिए, देखिए सेलेक्ट पैकेज, यहाँ पर क्लिक किए और जैसे ही ये ई पिन पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये ई पिन ट्रांसफ़र हो जाएगी। आप देख लो मैंने सामने वाला को भेज दिया ई पिन, अब गया कि नहीं यहाँ पर देख लेते हैं। मैसेज है, देखो ई पिन सक्सेस, इतना इतना अकाउंट नंबर, मतलब उनको ई पिन चला गया। तो इस तरह से आप ई पिन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भी ले सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि कितना आपने ई पिन ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। रीपर्चेज का सिस्टम है, आप यहाँ पर जो भी चीज़ है आप डाल सकते हो कि आपको क्या क्या चीज़ रीपर्चेज में चाहिए। नेटवर्क आप यहाँ से देख सकते हो कि आपकी नेटवर्क कितनी है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आप ये देख सकते हो कि आपका प्रोडक्ट कितना है और डिलीवर हुआ कि नहीं, वो आपको प्रोडक्ट रिपोर्ट में देखो। अभी इंटरनेट कनेक्शन बता रहा है कि नहीं है, तो थोड़ा नेट स्लो हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो यहाँ पर लिस्ट में हम देखेंगे कट करके कि क्या ऑप्शन आ रही है, तो यहाँ पर आप वही ऑप्शन आ रहा है। तो अब चलो दूसरा चीज़ आपको बताते हैं, नेटवर्क मैनेजमेंट आप देख लीजिए। और सबसे पहले रिपोर्ट देख लीजिए, रिपोर्ट में आप क्या क्या देख सकते हैं। यहाँ पर देखो डेली लेजर रिपोर्ट, डेली कटिंग, डेली पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन, वीकली पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन, आप सारा का सारा देख सकते हैं। मैं पूरा एक एक करके नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलो मैं आपको
डेली कटिंग या फिर डेली पेआउट रिपोर्ट पे क्लिक करके बताता हूँ। अब मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पर देख लो ये इस तरह का ब्लैंक आ रहा है, रेड ऑप्शन भी नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसी पे क्लिक करेंगे जो ऑप्शन है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो जो मेरा पे आउट आ रहा है, ये पे आउट मेरा बना हुआ है, ये आप देख भी सकते हो कि मेरा पे आउट आ रहा है। तो ये आप डेली रिपोर्ट पे क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, और भी अगर किसी चीज़ की जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और हमको बताएंगे। मैं इतना बता दे रहा हूँ, और ज़्यादा क्लिक करने से, सॉरी, ज़्यादा बताने से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप ये देख लोगे, और भी कोई दिक्कत होगी तो बताना। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।